आपने कोई गलती नहीं करी, मैं वैसे थोड़ी ना मार सकता हूँ। एबीपी न्यूज पे उसने बोला था कि सलमान खान को क्यों मारना चाहते हो, और बताया था कि उनको सलमान खान को मारना, कि लॉरेंस सलमान खान को तो कभी भी मार सकता है, उनके जैसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उनके जैसा बनना है। सिद्धू मूसे वाले ने भी गलती है, वो अपने आप एटीट्यूड उस पर बहुत था। एक बात है, वो सलमान खान को मारेगा तो मारा, अच्छा है वही बात है। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार। पंजाब में बीते दिनों एक प्रसिद्ध कांड हुआ था, सिद्धू मूसेवाला की हत्या। और सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जिन लोगों का नाम सामने आता है उसमें लॉरेंस बिश्नोई भी एक। पिछले दिनों जेल से लॉरेंस बिश्नोई का एक इंटरव्यू काफी वायरल हुआ, और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जैसा कहा जाता है कि वो जेल में रहते हुए भी आपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहता है, और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे गोल्डी बरार की बात हो या फिर और भी जो लोग हैं, तो उसके इशारों पर आपराधिक घटनाक्रमों को, लूटपाट को अंजाम देते रहे। हम यहाँ जबलपुर में हैं और एक बच्चा है हमारे साथ, तो अचानक से लॉरेंस बिश्नोई की बात चल जाएगी, तो हमने सोचा कि इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो नाम बताओ, नाम क्या? हमारा नाम अनमोल सैन है। अनमोल सैन जी। क्या उम्र है तुम्हारी? हमारी, मैं 15 साल का हूँ। किस क्लास में पढ़ती हूँ? 10th में आया हूँ अभी। 10th क्लास में आए हो। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में अभी बात कर रहे थे, तो लॉरेंस बिश्नोई को कैसे जान? मैं YouTube वीडियो देखता था उनकी, ज़्यादातर लॉरेंस बिश्नोई और सिद्धू मूसेवाला की, या गोल्डी बलार जैसा, मतलब उनके में बताया गया था। उनकी जेल की वीडियो देखता हूँ, सलाखों की देखता हूँ, और ये भी सुना है कि वो खुद ना पैसे देते हैं अपने उन लोगों को, क्लर्क को ना कुछ, उनके दोस्त लोग ये सब करते हैं, और उनके बारे में सब सुना, उनके जैसा बनना है। नहीं तो उनके जैसे, सबसे पहले तो ये बताओ कि पहली बार जो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में सुना कब था, जाना कब था या देखा? मैंने अक्सर 2022 में सुना था, जब मैं मोबाइल ज़्यादा कर चलाना स्टार्ट किया था। मैंने जनवरी के टाइम, मैंने बर्थडे के टाइम देखा था अपना। तो किस बारे में देखा था, क्या वीडियो था पहले? फर्स्ट वीडियो आई थी वो, जब मतलब फर्स्ट वीडियो आई थी जब उसने बताया था कि सलमान खान को मारना है। फर्स्ट वीडियो आई थी जब सलमान खान को, तो उसी को देखने में लगा, तो फिर मैं उसी को देखता रहा। तो ऐसा क्या इंटरेस्ट है, मतलब क्यों उसको देखते हो लॉरेंस बिश्नोई को? वो तो एक अपराधी है, एक क्रिमिनल है, पर भी वो स्टूडेंट है, और एक ऐसा भी है कि उनके जैसा। किस चीज़ का स्टूडेंट? मैंने उनको इतना, मैं ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ उनकी लड़ाई वाली वीडियो सुनता हूँ। तो लड़ाई करना अच्छा लगता है? नहीं नहीं, मतलब उनके जैसा देख करना, जैसे वो इंटरव्यू देते हैं, और बताया था कि उनको सलमान खान को मारना, कि लॉरेंस परिवार के वो जो एक काला हिरन होता है वो वाला देखा था, बिश्नोई समाज का मंदिर भी है, इतना भी देखा है मैंने। तो काले हिरण की जो हत्या की थी सलमान खान ने, तो इसकी वजह जेल नहीं हुई है, तो वही देखता रहता हूँ। तो जब कब मार रहा है लॉरेंस बिश्नोई, वो वीडियो देखता रहता। दो लोगों की तुमने बात की, एक लॉरेंस की और दूसरी बात सिद्धू मूसेवाला की, लेकिन दोनों तो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, उसी विरोध के चलते सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी हो गई। तो फिर दोनों लोग को कैसे पसंद करते हो? एक का तो ना पसंद करते हो, एक को पसंद करते हो? नहीं, जैसे तो है कि दोनों, जैसे जैसे सिद्धू मूसेवाले के ज़्यादातर मेरे को सॉन्ग पसंद है, मैं उसके कम से कम अभी तक 10 से 15 सॉन्ग रोज़ सुन रहता हूँ। मेरी शॉप है चाहत रात कलेक्शन, मैं वहाँ दिन भर ज़्यादातर मैं शाम को जाता हूँ, तो मैं उनकी वीडियो देखता रहता हूँ। मूसेवाला जैसे लॉरेंस बिश्नोई और मूसेवाला, तो मैं ज़्यादातर विष्णु क्या नाम है सिद्धू मूसेवाले की गाने सुनता हूँ, और ज़्यादा वो तो लॉरेंस बिश्नोई की वीडियो देखता हूँ। कोई गाना याद भी है, एक दो लाइन सुना भी सकते हो मूसेवाला? हाँ, मतलब थोड़ा राइट साइड बोनट वो वाला गाना याद था। अरे अभी इतने अच्छे से याद नहीं आएगा, पर एक बार सुनता हूँ तो उसके साथ 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 रिपीट कर देता हूँ, जैसे गाना चलता है तो उसके साथ साथ बोल देता हूँ मैं। एक दो लाइन भी नहीं सुना? अरे थोड़ा तो सुनना पड़ता है, थोड़ा सा सुनना पड़ता है ना? हाँ। और अच्छा कौन सा गाना जो है तो मूसेवाला का तुमको सबसे अच्छा लगता है? मुझे अभी एक डॉलर गाना है वो अच्छा लगता है, और किलर सेलिब्रिटी। किलर सेलिब्रिटी? हाँ। डॉलर? हाँ। और क्या अच्छा लगता है सिद्धू मूसेवाला या लॉरेंस बिश्नोई में, कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें प्रभावित कर रही जिसकी वजह से तुम उनके वीडियो देख? वो अच्छी लगते हैं मेरे को तो ज़्यादातर, मतलब वही तो हम पूछना चाह रहे हैं, उनका गाना अच्छा लगता है या फिर उनका व्यवहार अच्छा लगता है, या फिर वो जिस तरीके से एक दबंग की तरह से जो है तो रहते हैं वो चीज़ अच्छी लगती है, या क्रिमिनल बैकग्राउंड है, या उनके लिए बहुत सारे लोग होते हैं, क्या क्या अच्छा उनकी, मतलब जैसे वो करते हैं लाइफ स्टाइल वगैरह, और एक तो उनका वो बहुत अच्छे दिखते हैं सिद्धू मूसेवाला, उन्हीं की ज़्यादा
अब वो खत्म हो गए, पर भी मैं उनकी वीडियो देखता हूँ, उनके घर, उनकी कार, उनकी मॉडिफिकेशन वाली कार, ज़्यादातर वो वीडियो, ट्रैक्टर्स की तो बहुत वीडियो देखी है मैंने। और अभी तो लॉरेंस बिश्नोई की वो जेल वाली वीडियो देख रहा था, अभी थोड़ी देर पहले उन्हीं की देख के आया हूँ मैं। तो क्या देखे जो है, तो क्या देख रहे? मैंने ये वाली देखी थी जब वो ABC कौन से वो ABP न्यूज़, हाँ ABP न्यूज़ पे उसने बोला था कि सलमान खान को क्यों मानना चाहते हो, तो वो बता रहा था कि मेरे को सलमान खान को इसलिए मानना, उसने हमारे बिश्नोई समाज के काले हिरन को मारा तो उसको जेल नहीं हुई है, इसलिए मानने का। वो वाली देखी थी मैंने अभी तो। आप क्या लगती है अच्छी लॉरेंस बिश्नोई में बात? ए उसकी दबंगगिरी जैसे था, वो जेल पे फ़ोन चलाता है वो तो भाई बहुत है, क्योंकि वो 7 से 8 साल से 9 साल से जेल में है, और पर भी वो 9 साल से पूरा अपना काम कर रहा है जो जो उसको करना है लाइफ, मतलब जेल में भी इतने अच्छे से रह रहा है कि बाहर ही रह, उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी, ये सब देखता रहता हूँ। और सिद्धू मूसेवाले का ज़्यादा कर ट्रैक्टर, घर के पापा वाली वीडियो और उन्हीं की वीडियो, गाने ज़्यादातर मैं गाने सुनता रहता हूँ, क्या जितने गाने होते मैं गाने सुनता हूँ। जैसे तुमने बताया कि लॉरेंस जो है, तो लॉरेंस की तुमको दमदारी अच्छी लगती है, वो जेल के अंदर से सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज करता है, इसीलिए वो चीज़ अच्छी लगती है, बट क्रिमिनल होना तो सही नहीं है ना? नहीं तो पर वो क्रिमिनल थोड़ी ना है। क्यों क्रिमिनल नहीं है? मूसेवाले की हत्या करवा दी उसने, मारने की ना, करवाने में तो उसका भी हाथ है ना। अब वो खुलेआम कह रहा है सलमान खान को मारने के लिए, तुम कह रहे हो कि गोदा स्टूडेंट। तो भाई उसने तो बिश्नोई समाज के हिरन को मारा ना, इसलिए तो भाई वो तो मारेगा, उसको जेल भी नहीं हुई है क्योंकि। तो किसी को भी मार दो। नहीं तो वो ऐसे थोड़ी ना मार रहा है कि मतलब कुछ बिना फालतू में उसको गुंडा बनना है, वो तो जब वो इसलिए मार रहा है कि उसने उसके हिरन को मारा था, उनके बिश्नोई समाज के। इस तुमने वो इंटरव्यू देखा होगा तो उसमें तो उसने ये भी कहा है कि गुंडा मैं तब बनूंगा जब सलमान खान को मारूंगा, तो वो तो गुंडा बनने के लिए भी सलमान खान को मारने के बाद। ABP न्यूज़ ने ये बोला था कि आप तो गुंडे, बोले नहीं मैं जब गुंडा जब बनूंगा जब मैं सलमान खान को मारूंगा। सलमान खान को तो कभी भी मार सकता है। सलमान खान के वैसे तो बहुत बॉडीगार्ड आए हैं उसके लिए, यही देखा तो रहता हूँ। वो ऐसे कैसे मार सकता है, इतनी सिक्योरिटी रहती है, इतना बड़ा सुपरस्टार है। मूसेवाले को मार सकता तो उसको क्यों नहीं मार सकता? सिद्धू मूसेवाला वाले को तो सरलता से मारा जा सकता था, उसका बॉडीगार्ड भी नहीं था उस दिन। हाँ तो बॉडीगार्ड इसलिए नहीं था ना क्योंकि उसकी वैसे भी लॉरेंस की इतनी जान पहचान थी कि वो मजबूरन उसके थार कार लेके जाना पड़ा था, उसने इतना तो करवा दिया था, फॉर्चुनर के टायर पंचर करवा दिए थे, और एक और जो गाड़ी उसकी चाबी नहीं मिल रही थी, तो फिर तो वो जायज सी बात है वो ले जाना पड़ता था। ये पूरा लॉरेंस और गोल्डी बरार का दोनों का मिला जुला जो पूरा प्लान था कि थार लेके जाए। लॉरेंस ने बोला था, गोल्डी बरार ने करवाया है और करा भी गोल्डी बरार के उन लोग ने, शूटर्स ने, इतना तो वीडियो देखा है मैंने भी। फ्री फायर खेलते हो? पबजी? मैं कोई गेम नहीं खेलता। स्टूडेंट कैसे हो? ठीक हूँ। एवरेज या ठीक? ठीक, मेरे परसेंटेज 92 के पार आते हैं। तो ये बताओ कि इतना तुमको ऐसा क्यों चाहिए बैकग्राउंड की जो तो तुम्हारे साथ लोग रहे, लॉरेंस जैसे जो तो उनके जैसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस होने के लिए क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को क्यों पसंद करना? तो वो मेरे को क्रिमिनल नहीं लगता, पर सिद्धू भी तो भाई क्रिमिनल ही था फिर तो, क्योंकि वो अपने पास इतनी बंदूकें रखता था भाई, जैसी बात है फिर तो वो होगा, इतने ही बंदूकें रख रहा है और फिर तो वो भी क्रिमिनल कह रहा है, पर उसको तो आज तक किसी ने क्रिमिनल नहीं बोला, वो तो एक सिंगर कहलाया है, इसलिए अच्छे लगते हैं। बट ये तो क्रिमिनल है ना, ये लोगों से लूटपाट भी करवाते। किसी का मर्डर नहीं किया अभी, मर्डर किया आप ही बताइए आपने, इसने किसी का मर्डर किया हो? मर्डर नहीं किया, लेकिन खुलेआम जो तो जेल से जो तो ये चीज़ कह रहा है ना कि जो तो हाँ सकता हूँ कि मैं शाहरुख खान को मार दूंगा। नहीं ना, अजय तो जाहिर सी बात है, मैं बोलूँगा कि मैं इसको मार दूंगा तो मैं मार दिया भाई, अब वो कर सकता है तो वो बोल रहा है, मैं बोल दूँ मैं आज आपको मारूंगा तो मारूंगा, नहीं ना आप हमसे बड़े हो क्योंकि हम थोड़ी ना मार। अब भाई आपने कोई गलती नहीं करी, मैं वैसे थोड़ी ना मार सकता हूँ, उसने गलती की है, उसको जेल भी नहीं हो, जेल हो जाए तो फिर तो नहीं मारेंगे उसको। इसको जेल हो जाए सलमान शाहरुख खान को, अरे सॉरी सलमान खान को जी। तो तुम ही मानते हो कि जेल होने चाहिए सलमान खान? होनी चाहिए, उसने मारा है हिरन। एक्टर कौन सा पसंद? एक्टर तो जैसे मेरे को शाहरुख खान पसंद है। सलमान खान पसंद नहीं है? नहीं, उनकी पिक्चरें नहीं देखता। कारण यही लॉरेंस बिश्नोई की वजह से या फिर पहले से ना?
पहले से पहले भी पसंद, पहले थोड़े बहुत पसंद थे पिक्चर, सुन के अच्छी लगती थी, फिर जब से लॉरेंस बिश्नोई देखा जब से नहीं है, सिर्फ मैं लॉरेंस ही बिश्नोई की देखता हूँ। लॉरेंस बिश्नोई की कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुमको बुरी लगती है, जो लगता है कि ये नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए उसकी लाइफ? नहीं, मुझे तो कुछ बुरा नहीं लगता। बुरा नहीं, पर ये बुरा लगता है कि अब वो जेल, मैं जेल से हटें कब, बस तब वो बाहर आ जाएगा, तब तो फिर और क्रिमिनल एक्टिविटीज करने लगेगा, और लोगों को धमकाने लगेगा, और लोगों से पैसे ऐंठने लगेगा, और गैंग और बड़ा बन जाएगा उसका। हाँ, पैसा है वो क्यों करेगा, वो फ्री, जब वो उनके लिए इतने लड़के काम कर रहे हो ना, वो पैसे लेते हैं, दोस्ती आ रही तो पैसे की तो कोई बात ही नहीं है ना, बाहर भी आ जाए वो थोड़ी ना गुंडा कर दी, पैसे के लिए थोड़ी ना किया उसने आज तक कुछ। लेकिन उसके लोग तो जो है तो यूपी में भी जो करते हैं, लोगों से पैसे मांगते हैं, रंगदारी करते हैं। मुझे नहीं पता, मैं वो वाली वीडियो नहीं देखा, उसी इंटरव्यू में था, उसके लोग, उससे जुड़े हुए लोग ही रंगदारी करते हैं, जैसे तुम हो, अच्छे पैसे वाले हो, व्यापारी हो, तो उसके लोग जा कर के कहेंगे कि हमें पैसा दो अदरवाइज तुम्हारी जान ले लेंगे, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये चीज़ें सही हैं या गलत? ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। एक बात है, वो सलमान खान को मारेगा तो मारा, अच्छा है भाई बात है, क्योंकि भाई उसने गलत किया है, या तो उसको जेल होनी चाहिए। ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा ना, ये हम तुम या लॉरेंस बिश्नोई कौन, लॉरेंस बिश्नोई कौन होता है डिसाइड? जब तक कोर्ट का फैसला होगा उससे पहले तो वो मार भी सकते हैं, ये भी बात है, इतना थोड़ी ना कि वो आज मारे कल मारे, मर जाएगा अगर वो कोर्ट का फैसला नहीं हुआ तो। कोर्ट का फैसला नहीं होगा तो मार देगा? हाँ, मरेगा वो। सही होगा, सही मानते हो इस चीज? हाँ, क्यों भाई, उसने गलत किया था ना, इसलिए उसने मारा है, उसको जेल तो होनी चाहिए, ऐसे आज मैं मार दूं तो मेरे को तो जेल होगी ना। नहीं, तो ये तो मानते हैं जेल जेल होनी चाहिए, जो तो एक कानूनन जुडिशियर की, जुडिशियरी की एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत उसको जेल होनी चाहिए। बट ये क्या बात हुई कि जो तो अगर कोर्ट ने उसको सजा नहीं दी तो मैं जाकर के मार, मैंने ये थोड़ी ना बोला कि मैं जाके, वो मारेगा लॉरेंस, लॉरेंस के मैं कर रहा हूं, लॉरेंस जाके मार देगा, और उसका समर्थन तुम कर रहे हो कि नहीं वो सही करेगा। मैं बता, सिद्धू मूसे वाले को मरवा दिया, सही किया? सिद्धू मूसे वाले ने भी गलती है, वो अपने आप एटीट्यूड उस पर बहुत था, पर भी वो अच्छा था, ऐसा नहीं, पर उसने बहुत वो किया है। लेकिन किसी भी हालत में किसी की हत्या करना तो सही नहीं कह सकते हैं ना, चाहे जितना बड़ा दबंग हो, जितने सारे लोग उसके लिए काम करते हो, जितने लोगों की वो सेवा करता हो, लेकिन हत्या तो हत्या ही है। लॉरेंस करे, चाहे गोल्डी बरार करे, चाहे सलमान खान करे, या चाहे ये और कोई करे। जैसे संजय दत्त को जेल हुई थी, उसने भी किसी को मारा था, वो नहीं पता, मुंबई केस में जो, हाँ वो जिसमें भी हुआ होगा, उसको तो जेल हुई थी, उसको बराबर 5 से 6 साल की जेल हुई थी, उसने तो ज़्यादा बड़ा अपराध नहीं किया था, इसने तो काले हिरन को मारा, काला हिरन बहुत वो होता है, तो इसको तो होनी चाहिए ना जेल, ये कोई सेंसा थोड़ी ना कहीं का, पैसा है तो पैसा रहने दो अपने आप पे, कानून तो अपनी प्रक्रिया अपना रहा है ना, उसी कानून की प्रक्रिया के तहत तो लॉरेंस बिश्नोई भी जेल के अंदर है, तो लॉरेंस को किया वैसे उसको भी करो। अरे तो करेंगे कैसे भाई, जब तक कोई चीज़ सबूत के साथ जो तो पेश नहीं होगी, जब तक कोई चीज़ प्रमाणित नहीं होगी, जब तक कोई डिसीजन नहीं आएगा, तब तक कैसे जो होते जेल के अंदर डाल सकते हैं, ऐसे ना तो तुमको डाल सकते हैं ना तो मेरे को डाल सकते हैं, वह है ना। हाँ, वो तो एक प्रोसेस है ना, तो अब वो जब तक प्रोसेस होगी, जब तक क्या पता क्या हो जाए, इतना भी नहीं पता कि आज क्या हो जाए कल क्या हो रहा है, हो भी सकता है कुछ भी, ऐसे तो होना चाहिए, होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हत्या होनी चाहिए, फैसला होना चाहिए, फिर फैसला होगा जब ही तुझे सब होगा। तो जैसे तुम लॉरेंस को पसंद कर रहे हो, जैसे तुम गोल्डी बरार की बात कर रहे हो, सिद्धू वाले की बात कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं एक क्रिमिनल बैकग्राउंड रिलेट करते हैं, है ना, है ना, मीन्स जो बेसिस है तो ये है कि ये क्रिमिनल बैकग्राउंड रिलेट करते हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड क्यों पसंद है ये जानना था। नहीं वैसे तो मुझे तीनों लोग, दोनों लोगों को तुम बता रहे हो दो के दोनों एक ही जैसे हैं। नहीं मुझे मतलब जैसा वो कर सकते वैसा बनना है मुझे, ऐसा बनना है कि इतना पैसा करना है कि इधर से 2 किलोमीटर तक भी जाओ तो 4x4 में जाओ। नाम क्या बताया तुम? मेरा नाम अनमोल सैन। तो अनमोल ये बताओ कि तुमको लॉरेंस क्यों बनना है, जो तुमको अनमोल क्यों नहीं बनना है, अनमोल बनो ना। अनमोल बड़े हो जाऊंगा तो कम से कम उसके जैसे दम तो रहेगा।
दम की क्या जरूरत है, इज्जत होनी चाहिए। दम तो तब आता है जब डर होता है लोगों में। तो उतनी इज्जत हासिल करना चाहते हो या फिर इज्जत हासिल करना? इमेज बनाना चाहता हूँ अपनी। तो इमेज तो पॉजिटिव चीजों से भी बनाई जा सकती है ना भाई। पर नहीं, पर ऐसा नहीं थोड़ी ना कि अपन कोई भी अपन को मारे तो अपन चुप रहे, डर के थोड़ी ना रह सकते हैं। अरे तो मारेगा क्यों भाई इज्जत? आजकल की दुनिया ऐसी, किसी को भी मानना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें मारे या तुमने मुझे मारा क्या? सर थोड़ी ना है। तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो बात होगी, जब ही तो वैसे मारते हैं। तो आखिर जब हम भी कुछ गलत करेंगे, जैसे सिद्धू की बात कर रहे हो, लॉरेंस की भी बात कर रहे हो, तो लॉरेंस कहता है कि सिद्धू ने मेरे भाई को मरवा दिया, ये इंटरव्यू में बोलता है, इसलिए मैंने सिद्धू को लेकर के जो तो किया। लेकिन जब हम दोनों तरफ से गलत है, जब हम किसी के साथ गलत करेंगे तब तो सामने वाला हमारे साथ गलत करेगा ना। बता रहा हूँ कि जब सामने वाला अपने साथ गलत करेगा जब ही तो हम वो करेंगे, वरना ऐसे थोड़ी ना कि आज उसने कुछ किया नहीं मैं जाकर उसको मार दूँ, मेरे को गुंडा बनना, ऐसा थोड़ी ना। जब बट वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब ऐसा नहीं है कि जब हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे तो सामने वाला हमारे साथ गलत नहीं करेगा, तो फिर हमें गलत करना ही क्यों, हमें गलत लोगों से ऐसी इंस्पिरेशन ही क्यों लेनी है भाई? तो मैं उसको गलत 92 प्लस वाले हो, 90 प्लस वाले हो, आगे जा करके तुम जेई क्वालिफाई कर सकते हो, IIT जा सकते हो, MBBS कर सकते हो, या किसी भी सेक्टर में जा सकते हो, CA बन सकते हो, पॉलिटिशियन बन सकते हो, एडवोकेट बन सकते हो। तो फिर एक तुम ऐसे व्यक्ति से क्यों प्रेरणा लेना चाह रहे हो जो लॉरेंस जैसा हो, जो गोल्डी बरार जैसा हो, जिसके खौफ में लोग जिए, जिसके लिए लोग खौफ से काम करें कि जो है तो वो लॉरेंस है इसकी वजह से 10-25-50 गुंडे जो है तो उनकी हत्या फिर सिद्धू जैसे होती है। तो ऐसी तो मैं तो यही बोलूंगा कि नहीं, पर मैं ऐसा नहीं बनना चाहता कि मैं कहीं जाऊं और मेरी ऐसी मौत हो जाए, इतना नहीं करना चाहता हूं। मैं हो तो बड़ी शान शौकत से तो आर्मी ज्वाइन हो जाएगा, पर मेरे यहाँ बताया गया कि मेरा हाथ फ्रैक्चर हो चुका है एक बार, तो आर्मी ज्वाइन नहीं। मेरा पहले बचपन से वही सपना था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँगा, पर वो कर नहीं पाया, वो ना कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा मम्मी पापा ने भी यही बोला कि हाथ फ्रैक्चर तो तुम्हारा, तो तुम ये कर नहीं पा, और कुछ करो। तो अभी तो वैसे सपना कि मैथ साइंस लेना है ये बस। वो घर में भी लॉरेंस के बारे में बात कर? नहीं नहीं, मैं क्यों किसी बताती नहीं हूँ मैं किसी को, मैं अपने हैंड फ्री लगा लेता हूँ या तो कुछ भी तो सुनता रहता हूँ। मेरे घर वाले यही बोलते हैं कि ये बकवास चीज़ें देखता रहता है, ऐसी बकवास बन जाएगा, ना पढ़ाई करेगा ना ये करेगा। क्या वो सही बोलते हैं गलत? सही बोलते हैं। तो फिर क्यों देखते हो भाई? तो मोबाइल भी तो चलाने दो, मोबाइल में ज़्यादातर वही आती, मैं कुछ भी सर्च करूँ तो 2-4 वीडियो के बाद वो आ जाते, फिर उसी को देखती रहता हूँ। नहीं, मैं उम्र में भी तुमसे बड़ा हूँ, अनुभव में भी तुमसे बड़ा हूँ, सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, गो लॉरेंस, सिद्धू या फिर और भी लोग हो सकते हैं। दूसरी चीज़, हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ 4 लोग रहें, ये ज़रूरी है कि हम जिस जगह पर जाएँ तो अगर 4 लोग हों तो हमारे बैठने से पहले वो 4 लोग खड़े हो जाएँ। और वो चीज़ डर से नहीं आती, वो चीज़ डर से आ तो सकती है लेकिन तुम्हारे या हमारे जाने के तुरंत बाद वो गालियों में तब्दील हो जाती है। इसलिए हमें ऐसा काम करना चाहिए, हमें ऐसे लोगों से इंस्पायर होना चाहिए जो लोग हमें इज्जत दें, ना कि जो लोग हमसे डरें। और इज्जत के लिए अच्छे कामों की प्रेरणा लेनी होती है, ना कि जो तो लॉरेंस जैसे लोगों की। मैं हाँ, ये जैसा करना नहीं चाहता कि मेरे को गुंडा बनना है ये वो नहीं, उनके जैसे थोड़ा बनना चाहता हूँ, बल्कि मैं फिर तो मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे इज्जत कमानी है, मेरे घर मेरे को ही उपकच करना है। वैसे तो ज़्यादातर IPS सोचता रहता हूँ मैं, और उसकी वीडियो देखता रहता हूँ IPS वगैरह की, कितना बनना है कि 10 जगह जाओ तो लोग पहले हो जाए। बनूंगा, पढ़ूंगा तो बिल्कुल निश्चित तौर पर। अच्छे रास्तों पर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अच्छे रास्तों पर ही बेहतर पहचान होती है, बेहतर भविष्य होता है और एक बेहतर इंसान बना जा सकता है। नहीं तो मैं तो वैसे भी अच्छे रास्ते में, ना मैं ज़्यादातर गाली देता हूँ ना कुछ बोलता हूँ, सिंपली रहता हूँ। लेकिन जो तुमने लॉरेंस को लेकर के बात कही कि वो उससे मैं इंस्पायर होता हूँ, तो इंस्पायर होना भी गलत चीज़ नहीं है, बशर्ते अच्छी चीज़ों को लेकर के हमें इंस्पायर होना चाहिए। उसकी अदर जो चीज़ें हैं, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड्स है, वो उन चीज़ों से
दूरी बना के रखनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर करोगे, बेहतर सीखोगे, है ना। वो तो कर रहा हूँ मैं, पर ज़्यादा कर उनकी वो इतना भी नहीं कि मैं गुंडा बनना चाहता हूँ, मैं तो अच्छा बनना चाहता हूँ बस, नहीं कि अब खुद के पैरों पे खड़ा रहूँ। लड़ाई झगड़े करते हो? मेरी मतलब सब मेरे को मारते पीटते रहते हैं, मोहल्ले के लड़के, मैं सभी से पिट जाता हूँ, पर मैं कभी नहीं मारता, मेरी आदत ही नहीं। मैं लड़ाई करूँगा तो मैं पिट जाऊँगा, पता है, क्योंकि मेरे ज़्यादा कर कोई दोस्त नहीं, सिर्फ एक ही है ये आर्यन और एक दो और। हाँ, ये नहीं पीटता? नहीं, लड़ाई तो करते रहते पर वैसी नहीं, पर मैं ज़्यादा कर सारे लड़कों से पिट जाता हूँ क्योंकि मैं उतना नहीं हूँ मारने में। इसीलिए लॉरेंस बनना चाहते हो क्या? दस बीस लोग रहेंगे तो आगे जिन जिन ने अभी पीटा है तो उनको फिर बाद में मैं पीटूंगा। अभी नहीं, इतना तो सोचता रहता हूँ, जब नींद नहीं आती तो ये तो सोचते ही रहता हूँ कि आज उनने मारा कि कल उनको मारूंगा मैं। तो ये हमारे साथ अनमोल थे जिन्होंने लॉरेंस को लेकर के बातचीत की। लॉरेंस का बीते दिनों एक इंटरव्यू काफ़ी वायरल हुआ जो ABP न्यूज पे प्रसारित हुआ था और जेल के अंदर से वो प्रसारित किया गया था, जिसमें वो कहते हैं कि जेल में मोबाइल मिलना बड़ा ही आसान है। या फिर जब लॉरेंस से पूछा जाता है कि आप तो गुंडे हो, तो लॉरेंस का एक जवाब होता है कि मैं गुंडा कहाँ हूँ, मैं तो गुंडा तब बनूंगा जब सलमान खान को मारूंगा। तो इस तरह की वीडियोज़ देख करके, इस तरह के इंटरव्यूज़ देख करके अनमोल ही नहीं, अनमोल की उम्र के यंगस्टर्स जो है तो काफ़ी सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, प्रभावित होते हैं। बट रियलिटी ये है कि किसी भी क्रिमिनल बैकग्राउंड से रिलेट करने वाला व्यक्ति हमारा इंस्पिरेशन नहीं बन सकता है, हमारे मोटिवेशन का रीज़न नहीं हो सकता है। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम बेहतर लोगों को सेलेक्ट करें एक मोटिवेशनल, एक इंस्पिरेशनल पर्सन बनाने के लिए। लोगों की उनकी अच्छी चीज़ों को हम अगर लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा हमारे भविष्य के लिए। और मैं भी उम्मीद करता हूँ मेरे देखने वाले सभी आप दर्शकों से कि लॉरेंस जैसे लोगों से इंस्पिरेशन लेने से बेहतर है कि हम कुछ बेहतर करें। उनकी कुछ चीज़ें अच्छी लग सकती हैं, बेशक जो चीज़ें अच्छी हों तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, परंतु जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो समाज को बांटने, समाज को प्रताड़ित करने, समाज को शोषित करने, दर्द देने का काम करती हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति का समर्थन, ऐसे किसी भी व्यक्ति से इंस्पिरेशन लेने की कोशिश हमारे नहीं होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। बने रहें द खबरदार न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।